हेलो एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन डिजाइन विद प्रद्युत मैं फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ फैशन डिजाइनिंग रिलेटेड सो आज का टॉपिक है देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी इन फैशन डिजाइनिंग वैसे तो फैशन डिजाइनिंग करने के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि फैशन डिजाइनिंग कोर्स करने के बाद मुझे मेरे सामने सिर्फ फैशन डिजाइनिंग का ही ऑप्शन रहेगा फैशन डिजाइनर बनने का ऑप्शन रहेगा बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फैशन डिजाइनिंग करने के बाद फैशन डिजाइनिंग कोर्स करने के बाद ऐसे काफी सारे अपॉर्चुनिटी होता है काफी सारे जॉब अपॉर्चुनिटी होता है जिस अपॉर्चुनिटी की वजह से आप लोग फैशन डिजाइनिंग के अलावा फैशन डिजाइनर्स के अलावा और भी काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी फैशन डिजाइनिंग फील्ड में गैदर कर सकते हो फैशन डिजाइनिंग फील्ड में आप जॉब कर सकते हो सो so, ये सभी चीज़ के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ इसीलिए वीडियो को पूरी तरह से देखना बिकॉज वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आगे जाकर ऐसा ही फैशन रिलेटेड अपडेट मिलता रहे आप शायद सोच रहे होंगे कि फैशन डिजाइनिंग करियर में फैशन डिजाइनिंग के अलावा और क्या हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी हो सकता है जो आप काम कर सकते हो फैशन डिजाइनिंग कोर्स के बाद तो ऐसे दस फैशन डिजाइनिंग जॉब अपॉर्चुनिटी होता है करियर अपॉर्चुनिटी होता है आफ्टर फैशन डिजाइनिंग कोर्स सबसे पहले मैं एक एक करके आप लोगों को बताने का कोशिश करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल फैशन डिजाइनर फैशन डिजाइनिंग कोर्स करने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स फैशन डिजाइनर बन जाते हैं फैशन डिजाइनिंग बहुत ही पॉपुलर कोर्स है जहाँ पर फैशन डिजाइनर्स का काम क्या होता है मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ सो फैशन डिजाइनर सबसे पहला ऑप्शन है दूसरा है टेक्सटाइल एंड एपेरल डिजाइनिंग टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है फैशन डिजाइनिंग कोर्स करने के बाद आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपना जॉब कर सकते हो जॉब अपॉर्चुनिटी पा सकते हो जैसे कि टेक्सटाइल का मतलब होता है कि टेक्सचर किसी कपड़े को डिज़ाइनर ऐसे किसी कपड़े को डिज़ाइनिंग करते हैं बट टेक्सटाइल डिज़ाइनर उस डिजाइनिंग को तैयार करते हैं जिसको कहते हैं टेक्स्चर को क्रिएट करना टेक्सटाइल डिजाइनिंग में होता है सो so, सिर्फ फैशन डिजाइनर नहीं अब टेक्सटाइल डिजाइनर भी बन सकते हो डिजाइनिंग भी कर सकते हो उसके बाद नंबर थ्री पर है एक्सेसरी डिजाइनिंग एक्सेसरी डिजाइनिंग का मतलब होता है डिज़ाइनिंग uh, कपड़े के अलावा बेसिक जो चीज़ होता है हमारे रेगुलर लाइफ में जो हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि लेडीज़ बैग होता है जेंट्स बैग होता है आ, उसके बाद इयर होता है ज्वेलरी होता है और काफ़ी सारे एक्स्ट्रा चीज़ होता है जैसे कि कैप होता है आ, और भी काफ़ी सारे एक्सेसरी होता है जो कपड़े के साथ साथ हम लोगों को कैरी करना पड़ता है उसमें शूज़ आता है फुटवेयर भी आता है फुटवेयर डिज़ाइनिंग की बात अगर करें इस एक्सेसरी डिज़ाइनिंग के साथ तो फुटवेयर डिज़ाइनिंग भी होता है एक्सेसरी डिज़ाइनर भी होता है आपको इन दोनों का ही अपॉर्चुनिटी मिलता है फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के बाद एंड नंबर फोर पर है ज्वेलरी डिजाइनिंग ज्वेलरी डिजाइनिंग बहुत ही एक खास एंड पॉपुलर कोर्स है फैशन डिजाइनिंग कोर्स के आ, कोर्स में आज के टाइम सिर्फ कपड़ा ही नहीं ज्वेलरी पहनने भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है हर किसी को लगता है कि हम लोग उससे डिफरेंट लगे इसीलिए ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ अपने कपड़े के साथ ज्वेलरी ऑब्वियसली कैरी करता है इसीलिए ज्वेलरी डिजाइनिंग में भी आप अपना करियर आजमा सकते हो जहाँ पर आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा प्लेसमेंट पैकेज एंड अच्छा खासा जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जहाँ पर आप करियर बना सकते हो बट ऑब्वियसली अगर आप पैशनेट हो ज्वेलरी डिजाइनिंग को लेकर आपको अगर, आपको अगर ज्वेलरी बनाना अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली ज्वेलरी डिजाइनिंग को आप चूज कर सकते हो उसके बाद नंबर फाइव पर है फैशन टेक्नोलॉजी देखो फैशन टेक्नोलॉजी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है फैशन टेक्नोलॉजी में सबसे पहले तो आता है कि आ, किसी प्रोडक्ट को डेवलप्ड करना टेक्नोलॉजी का मतलब ही होता है किसी चीज़ को डेवलप्ड करना तो फैशन टेक्नोलॉजी में भी किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने का काम ही होता है उसके बाद नंबर सिक्स पर है लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट बहुत सारे ब्रांड होता है लग्जरी ब्रांड होता है उसी ब्रांड के उसके उस ब्रांड में अगर आप ज्वाइन करो सो उस ब्रांड में ज्वाइन करने के बाद एज ए उस ब्रांड में ब्रांड का जो कपड़ा है ब्रांड का जो सिस्टम है उसको मैनेजमेंट करना जो होता है लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजर का काम होता है जहाँ पर एज ए फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करने के बाद आप जॉब अपॉर्चुनिटी पा सकते हो लग्जरी ब्रांड में काफ़ी सारे ब्रांड्स है जैसे कि विटॉन है गोची है जो इंटरनेशनल ब्रांड्स होता है अगर इंडिया में काफ़ी सारे फेमस ब्रांड है रेमॉन्स हो गया रिलायंस ट्रेंड हो गया जहाँ पर आप एज ए फैशन डिजाइनर का जॉब कर सकते हो फैशन डिजाइनिंग कोर्स के बाद आफ्टर अपना करियर आजमा सकते हो नंबर सेवन पर है फैशन बिजनेस मैनेजमेंट जिन लोगों को बिज़नेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है जो बिज़नेस में ज़्यादा अपना फोकस रखते हैं वो लोग फैशन डिजाइनिंग में एज ए अपना फैशन डिजाइनिंग कोर्स करने के बाद फैशन डिजाइनिंग में फ़ैशन बिजनेस मैनेजमेंट में अपना करियर आजमा सकता है जो बहुत ही एक पॉपुलर जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर कोर्स फैशन डिजाइनिंग में उसके बाद नंबर एट पर जो कोर्स है अपॉर्चुनिटी है वो है इमेज कंसल्टिंग एंड पर्सनल स्टाइलिस्ट फ़ैशन स्टाइलिश के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाया है फैशन स्टाइलिस्ट आप किस तरह से बन सकते हो वो भी मैंने अपने वीडियो में डिक्लेयर किया है इसीलिए ये ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा आपको समझने में ज़्यादा सुविधा होगा अगर आपने मेरा एक फ़ैशन स्टाइलिंग का वीडियो देखा है जहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि फ़ैशन स्टाइलिंग का कोर्स आप लोग किस तरह से करोगे तो फैशन स्टाइलिंग बहुत ही क्रिएटिव पैशन होता है फैशन डिज़ाइनर एंड फैशन स्टाइलिस्ट इन दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है बट डिज़ाइनर का काम होता है कपड़े को क्रिएट करना कपड़े को गार्मेंट्स को रेडी करना एंड फैशन स्टाइलिस्ट का काम होता है सेलिब्रिटी एंड रिचस पर्सन जिसका स्टाइलिस्ट पर्सनल स्टाइलिश होता है उन लोगों को एक अच्छा सा कपड़े सेलेक्ट कर देना मतलब फैशन डिजाइनर अगर दस कपड़े डिजाइनिंग करता है दस कपड़े को क्रिएट करता है तो आ, फैशन स्टाइलिश उन दस कपड़े में से एक कपड़े को चुनता है अपने आ, जो ओनर है उनके लिए कि इस जगह पर उनको ये कपड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा तो फैशन स्टाइलिक एक बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस एंड बहुत ही ज़्यादा करियर अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आफ्टर फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स आप अपना करियर आजमा सकते हो उसके बाद नाइन पर है फैशन ब्लॉगिंग फैशन ब्लॉगिंग भी एक बहुत पॉपुलर है आज के ज़माने में सोशल मीडिया का ज़माना है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग हर दिन यूट्यूब यूट्यूब हो फेसबुक हो इंस्टाग्राम बोलो काफ़ी सारे जगह पर ब्लॉगिंग अपना चैनल्स वो लोग क्रिएट कर रहे हैं तो आप भी अगर फैशन डिजाइनिंग कोर्स के बाद आ, ऐसे अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो फैशन डिज़ाइनिंग नॉलेज दे सकते हो जैसे कि मैं आप लोगों को दे रहा हूँ फ़ैशन डिज़ाइनिंग के बारे में नॉलेज तो आप भी ऐसे फैशन डिजाइनिंग कोर्स करने के बाद फ़ैशन डिज़ाइनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद दूसरे स्टूडेंट्स को दूसरे लोगों को जो फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में नहीं जानते वो, आ, क्या नया है फैशन डिजाइनिंग में तो उन लोगों को आप हेल्प कर सकते हो फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में तो ऐसे आप ब्लॉगर भी फैशन डिजाइनिंग स्टार्ट कर सकते हो उसके बाद सबसे लास्ट नंबर टेन फ़ैशन फ़ोटोग्राफी फैशन फोटोग्राफी बहुत ही एक पॉपुलर कोर्स है जहाँ पर फोटोग्राफी का मतलब तो आप लोग समझ से ही हो इसलिए इसीलिए फैशन फोटोग्राफी बहुत ही एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट करियर होता है अगर आप चाहो तो फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के बाद फ़ैशन फ़ोटोग्राफी कोर्स चूज़ कर सकते हो जहाँ पर मॉडल्स वगैरह होता है जहाँ पर अपने डिज़ाइनिंग कपड़े को मॉडल्स वगैरह पहनते हैं और किस तरह से किस एंगल से फ़ोटो को शूट करना है किस तरह से फ़ोटो को क्रिएट करना है तो सब कुछ फैशन फ़ोटोग्राफ़ी में आता है जो बहुत ही एक पैशनेट करियर होता है सो so, आज के वीडियो में मैंने फैशन डिजाइनिंग के डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी है करियर अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में बात किया मैंने टॉप टेन जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात किया वैसे तो फैशन डिजाइनिंग में काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटी होते हैं मैंने पिछले भी एक वीडियो में बताया था कि फिफ्टीन पॉपुलर करियर इन फ़ैशन डिजाइनिंग फैशन डिजाइनिंग में ऐसे पंद्रह पॉपुलर जॉब अपॉर्चुनिटी होता है मैंने फिर से इस वीडियो बनाया कि टेंथ पॉपुलर फैशन डिजाइनिंग जॉब अपॉर्चुनिटी मैं हर वक्त चाहता हूँ कि आप लोगों को नया कुछ नॉलेज मिले आ, मुझे मुझे जितना भी पता है मैं आप लोगों को वो सारे ज दे सकता हूँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ जब आप लोग कमेंट करते हो वीडियो में सो so, ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही फैशन रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए फिर मिलते हैं अगले कोई फैशन रिलेटेड वीडियो में और हाँ आज के वीडियो अगर आप लोगों का पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड है बिकॉज उन लोगों को काफ़ी सारी चीज़ जानने को मिलेगा फैशन डिजाइनिंग रिलेटेड और मैं आने वाले दिन ऐसे ही फैशन डिजाइनिंग रिलेटेड काफी सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ अगर आप लोग सारे किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर दो इसीलिए मैं कहता हूं कि सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप जब भी बेल आइकन को प्रेस करते हो जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले तुरंत नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाता है अगर आप आइकन को नहीं प्रेस करते तो काफी सारे नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुँचता मेरे फैशन रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों के पास नहीं पहुँचता इसलिए मैं कहता हूं कि सब्सक्राइब टू माई चैनल उसके साथ साथ प्रेस द बेल आइकन तो गाइज फिर मिलता है अगले कोई फैशन रिलेटेड वीडियो में तब तक के लिए आप स्टे से एंड गेट स्माइलिंग